तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट दोस्तों जी, और आप देख रहे हैं AJ FIFA। यस, तो आज हम लेके आगे एक और नया एपिसोड आप लोगों के लिए, और ये एपिसोड जो है FIFA 21 में से मैनचेस्टर यूनाइटेड करियर मोड का एपिसोड है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड चेक इट आउट नहीं किए हैं तो ऊपर आई बटन पे जाइए और चेक जरूर कीजिए, और लाइक एम जरूर पूरा कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं हर नए वीडियो जो है इस सीरीज के लाता रहूं, डेली लाता रहूं और जल्दी जल्दी लाता रहूं। यार लाइक एम तो बनता है यार, इतना सपोर्ट तो मुझे होता है कि आप लोग दिखा ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े लाइक होते ही नहीं हमारे, बहुत छोटे छोटे लाइक है, 100 लाइक यार ज़्यादा तो लाइक है ही नहीं, तो 100 लाइक फटाफट कर देना और कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे कि आपकी वीडियो कैसी लगी है। और फिलहाल मैंने कुछ एक चेंजेस किए हैं, मुझे लास्ट टाइम किसी लोगों ने कमेंट करे थे, मैं नाम भूल गया अभी, कि भाई साहब बहुत सारे प्लेयर जो है आप लोग ने ट्रांसफर विंडो में डाल दिए, ट्रांसफर विंडो में ना डालते हुए उन लोगों को लोन पे कर दो। तो मुझे भी लगा काफ़ी हद तक कि उनके लिए कोई ऑफर भी ऐसे अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि उन लोगों को लोन पे डाल दूँ। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैं लोन पे सेट करने वाला हूँ, तो उनको लोन पे सेट कर दिया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो फाइनेंशियल वाला है, फाइनेंशियल में ट्राई कर रहा हूँ सबसे सॉर्ट आउट करने की, लेकिन जो दूसरा वाला हमारा ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव ये है भाई साहब कि हमको प्रीमियर लीग में भी ऊपर टॉप में रहना है, UEFA चैंपियंस लीग के फाइनल में भी जाना है, तभी हमारे ऑब्जेक्टिव जो है पूरे हो सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए, मतलब वो ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए हमको भाई साहब पूरे के पूरे जो मैच आने वाले वो सारे जीतने पड़ेंगे। तो प्रीमियर लीग के में फिलहाल नंबर 3 पे हम चल रहे हैं, नंबर 1 पे मैनचेस्टर सिटी है, नंबर 2 पे स्पर्स है, देन 3 पे हमें 26 पॉइंट के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी रैंकिंग जो ऊपर बढ़े और हम ऊपर टॉप में आए, तो टॉप में आने के लिए तो परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए चाहिए। तो फिलहाल जितने भी मैचेस होने वाले उसमें मैं थोड़ी अपने जितने टॉप मोस्ट प्लेयर उनको खिलाने की ट्राई करूंगा, लेकिन देखना पड़ेगा कैलेंडर में कि कहीं बहुत ज़्यादा रेस्ट टाइम उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनके ऊपर हो रहा है, तो जो एक्चुअल बड़ी गेम्स रहेगी वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट मैच जो आई थिंक मेरा हमारा एस्टन विला के साथ होने वाला है जहाँ तक मुझे ही पता है, और एस्टन विला के साथ ये मैच होने वाला है। हम चाहते हैं कि ये मैच भी हम भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से जीतें, और यहाँ पे भी जो है 3-1 पॉइंट जो भी हमको मिलने वाले हैं उनको हम गेन करेंगे, और वो भाई हमको चाहिए ही चाहिए 101% किसी भी कीमत पे चाहिए। तो भाई वही क्वेश्चन आ जाता है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया यार, अगर पसंद नहीं आ रहा है तुमको, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आते ही फटाफट लाइक करना और कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे। देखो तो बोल दो, मेरा गला ख़राब हो रहा है लेकिन हम हटेंगे नहीं भाई, तो ऐसा ही करना है आपको। तो चलते हैं मैच की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और ये मैच प्रीमियर लीग का मैच है, और हमारी बहुत ज़्यादा होप है इस मैच से कि हम ये मैच जीतेंगे, और हमको जीतना ही है किसी भी कंडीशन में, और ये हमारे होम ग्राउंड पे मैच है, और होम ग्राउंड पे भी विनिंग स्ट्रीक रखना है हमको, 7 मैच कंटिन्यू होम ग्राउंड पे जीतने हैं, तो वो भी करना है हमको, तो वो सब ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, तो सब लाइनअप वगैरह तो सेट हो चुका है, और हमारे लीग को मैंने खिलाया आज, लीग को भी खिला लिया मैंने, मेसी को भी खिलाया, और किसको मैसी भाई नंबर 3 पे चल रहे हैं, 15 गोल 16 गोल सन के, और 22 गोल जो है साला के, साला के गोल ज्यादा है यार, लेकिन कोई बात नहीं, अगर थोड़े से मैचेस अच्छे गए हमारे तो शायद हम क्रॉस कर लें, और शायद तो क्या, लेकिन हमको क्रॉस करना ही है किसी भी कंडीशन पे, तो हो सकता है अगर मैसी के थोड़े और अच्छे गोल निकल जाए, और फिलहाल तो मैं हर मैच मैसी को चांस दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये कैप्टन वाला सीन कैसे चेंज हो गया भाई, ये चेक आउट करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं। तो फिलहाल तो चलते हैं मैच की तरफ, और मैच हो चुका है हमारा शुरू, सो हियर वी गो, और हम ट्राई करने वाले हैं, यहाँ से कुछ अच्छी ट्राइज हमको मिलती जाएंगी। तो ओके, बहुत ही बढ़िया बॉल, ली के पास बॉल है, क्या ली यहाँ से अंदर, ओ भाई ली थोड़ा सा बेचारा ना, थोड़ा सा टेक्निकल वाइज अच्छा प्लेयर, लेकिन थोड़ा सा रनिंग उनिंग के वाले स्ट्रेंथ के वाले थोड़ा कम है बेचारा, लेकिन बहुत ही बढ़िया बॉल है फर्नांडिस के पास, फर्नांडिस से बॉल है, लेकिन ट्राई बहुत ही मतलब गलत तरीके की ट्राई थी, और वैटकिंस के पास बॉल है यहाँ पे, एस्टन विला के पास बहुत ही बढ़िया ट्राई, लेकिन टाइगर का शॉट खराब था, ओ ये शॉट बहुत बढ़िया था, और ये शॉट वापस डिएगो से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, डिएगो हमारा टाइगर है एक्चुअल में भाई, डिएगो बॉल निकल नहीं देता, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कुछ मैचेस से ना हमारा डिफेंस भी थोड़ा ठीक चल रहा है यार, खराब नहीं चल रहा है, मतलब इसके पहले जो हमारा डिफेंस चलता था ना बहुत ज्यादा पुअर चलता था, मतलब मुझे ऐसा कभी कभी लगता था कि भाई मेरे डिफेंस है किसी और का डिफेंस है ये। ओके गुड कॉर्नर किक, लेकिन बॉल ढूंढ नहीं पाया, और हमारे भी चीते यहाँ वहाँ भाग रहे और कुछ पता लग रहा है, ओके कोई बात नहीं भाई साहब, ओके निकाल लो आगे, टेरोई जो भी है, टेरोई भराई रोको भाई इसको, वो भाई डिफेंस देखो तुम मेरा, क्या बात है, मतलब गिर पड़ के मर धर के कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन भाई गोल नहीं देना, बहुत पैसे लिए इन लोगों ने, गोल नहीं देना। ओके रशफोर्ड के पास बॉल है, बहुत ही बढ़िया क्रॉस, अब मुझे लगता है गोल कीपर के साथ ही खेला था रशफोर्ड, बिल्कुल चांस नहीं दिया उसे कि भाई अपने बंदे को बॉल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करा। ओके मार्शल के पास बॉल है, और बहुत ही बढ़िया पास वहाँ पे किसको दिया है लड़के पास, ये बताया नहीं उसने हमको,
ओके वापस ये मेस्सी का जबरदस्त पास है, रशफोर्ड के पास बॉल आई और क्या बात है, रशफोर्ड ने क्या जबरदस्त कंट्रोल किया, वापस बॉल अंदर दी और ब्रूनो फर्नांडिस को क्या हो गया भाई, पागल हो गया कहीं। ओके फर्स्ट हाफ मुझे लगता है यहीं पे एंड हो जाएगा इसके साथ। ओह क्या बात है, पासिंग में बहुत जबरदस्त कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो एंड बनता ही है इस हिसाब का, मतलब ऐसे पास करते जाएंगे तो मुझे लगता है रेफरी ने वैसे ही बंद करना चाहिए, बेटे बंद करो कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। तो वैसा ही हुआ यहाँ पे, फर्स्ट हाफ तो एंड हो गया लेकिन सेकंड हाफ की शुरुआत यहाँ से होने वाली है। लेकिन लियोनेल मेसी की तरफ देख लेते हैं, मिनट्स प्लेड 46 ओके, गोल्स कुछ नहीं किया फिलहाल, तो कुछ नहीं किया भाई इस बंदे ने, लेकिन 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 सेकंड हाफ में कुछ ना कुछ करे, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। लेकिन सेकंड हाफ की तरफ बढ़ जाते हैं पहले और फिर देखते हैं कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता है। ओके सेकेंड हाफ की शुरुआत तो हो गई लेकिन फिलहाल बॉल हमारे पास नहीं है, लेकिन अब बॉल हमारे पास आई और मेसी ने ये शूट 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 बहुत ही बढ़िया छोड़ दिया और ओ ये क्या था मार्शल भाई, कुछ अलग ही गोल, मतलब फीफा का लोग है ना कुछ, मेरे को हिसाब समझ में नहीं आता ये गोल कौन सा था, मेरे को भी समझ में नहीं आया गोल हुआ कैसे, मैंने ट्राई तो करी थी रिबाउंड शॉट में लेने की लेकिन ये हाफ बॉल ही था, फुल बॉल ही था, साइकिल था, क्या था ये। Well, as we see this again, Derek, it's oh, easy to be critical, and I'll stress I've never been a goalkeeper. Oh, but surely he's got to do better than that. His mistake leads to the goal, no doubt about it. Oh, boy, stop. ये गोल मुझे काफी दिन तक याद रहेगा, बहुत दिन तक याद रहेगा और बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। चलो कोई बात नहीं, एक गोल तो आ चुका है हमारे पास, अब दूसरे गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्शल का फिर से बॉल है और क्या ये सेकंड गोल भाई साहब, ये तो मतलब लॉटरी लग गई हमारे यहाँ पे, जो पिछला गोल हमने किया था उसके बदले में एडवांटेज मिला है हमको भाई साहब, इतना बढ़िया गोल करा है, तो ये लो एक गोल हम तुमको फ्री में देंगे बालक, और ये गोल हमको फ्री में मिला है, फ्री में नहीं मिला भाई, बहुत मेहनत करी उस गोल के पीछे, तुमको नहीं पता कितने सारे लोग बीच से निकलते हुए मार्शल भैया हमारे वहाँ पहुँचे, ये देखो बॉल वहाँ पे मिली है, लेकिन क्रेडिट वापस मेसी को देना चाहूँगा भाई, क्या पास कर रहा है ये, कोई बात नहीं भाई मेरे से गोल नहीं हो रहा लेकिन मैं दूसरे बंदे से तो गोल करवा के ही रहूँगा, ये कसम खा के जो है मेसी भैया आए ग्राउंड पे और मार्शल से दो गोल करा दिए इस मैच में, क्या बात है। एक जो पहला वाला गोल था वो तो भाई सब पता नहीं उस गोल के बारे में तुम लोग क्या बोलोगे, लेकिन उस गोल के बारे में नीचे कमेंट जरूर लिखना मेरे को कि गोल तुमको कैसा लगा, मतलब कमेंट चाहिए चाहिए मुझे तुम्हारा, तुम बताओगे मुझे उसके नीचे कि भाई सब क्या सही बात थी इस गोल में। तो फिलहाल तो मार्शल ने 14 गोल ठोक दिए प्रीमियर लीग में, मेसी के पास पहुंचने वाले मेसी भी आ गए 15-16 ही है शायद। ओ ये बहुत बढ़िया बॉल है मेसी के लिए, गए गोल, ओ भाई साहब नहीं हो पाए, बहुत ज्यादा दूर और क्लीन शीट चाहिए हमको उसके लिए, गोल नहीं खाना है, बहुत बढ़िया। ओके वापस बॉल ली के पास है और ली भी थोड़े अंदर आ चुके और बहुत ही बढ़िया पास फ्रेड के लिए और फ्रेड ने जबरदस्त ट्राई ली है, क्या बात है, गगन चुंबी छक्का लगा दिया फ्रेड ने यहाँ पे। ओके वापस बॉल मेसी के पास और मेसी ने वापस एक सुनहरा पास दिया मार्शल के पास, क्या मार्शल हैट्रिक स्कोर कर पाएंगे, पागल हो गया लौंडा, कहाँ फेंक रहा है बॉलें। ओके वापस बॉल है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और मेसी भैया गोल नहीं कर सकते आज, आज नहीं कर सकता है बंदा गोल, मतलब आज कसम खाली से मैं सिर्फ पास करूंगा गोल नहीं करूंगा। ओ भाई मिल गया, रैशफोर्ड ने वापस बॉल ली लेकिन काफी कम टाइम बचा, मुझे लगा विसल ना बच जा यहाँ से, फेंक दे भाई बॉल, ओ कम ऑन ऑफसाइड। ओके मैच भी खत्म हो गया, मतलब ऑफसाइड तो कह देंगे वैसे ही बाहर निकाल देंगे, निकलो बाहर भाई तुमने गोल कर लिए है, अब इससे ज्यादा गोल नहीं मिलने वाले तुमको। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही वैसे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की यहाँ पे और बेसिकली मतलब बेसिकली मोस्टली मैं जिस चीज़ से खुश रहता हूँ वो रहता है हमारा स्ट्राइकर, लेकिन इस बार पे डिफेंस से और गोल कीपर से तो मैं हमेशा 100% खुश रहता हूँ, लेकिन मार्शल का जो पहला गोल था ना उससे तो मैं कतई मतलब कतई कतई बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मतलब ऐसा गोल कौन लगाता है भाई, मतलब कौन ऐसे घूम जाता है नीचे गिरते गिरते हुए, वो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन चलो जो भी स्टोरी रही इस मैच की बहुत ही इंटरेस्टिंग रही और मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया वहाँ पे। लेकिन जो नेक्स्ट मैच होने वाला वो होने वाला यूएफए चैंपियंस लीग का मेरे मतलब यूएफए चैंपियंस लीग का भाई साहब, और जो यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में जिसको हमने शॉर्टलिस्ट करके रखा बॉयस वही लड़का हैलैंड, अब गलत मत सुन लेना इस सब की कुछ बात है, हैलैंड को रखा है वहाँ पे, लेकिन हैलैंड को भाई साहब देखना है कि अब हैलैंड हमारे लेवल का प्लेयर है कि नहीं, हमारी टीम में जगह पाने लायक है कि नहीं, वो इस मैच से डिसाइड होगा और इस मैच में जो धूम धड़ाक होने वाली है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मैच में मैं फिलहाल कोई लाइनअप चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ मैं यहाँ पे चेंज करूंगा एक ही चीज़ और वहाँ पे मैंने खिलाऊंगा कवानी को, मार्शल को रेस्ट दूंगा और फ्रेड को खिलाऊंगा ली की जगह पे और पोगपा को इन कर दूंगा, पोगपा को मैंने बाहर रखा था तो वापस पोगपा को मैंने इन कर लिया है, क्योंकि पोगपा भाई साहब क्या ही तारीफ करूं मैं इस लड़के की, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड भी मैच मिला, शायद हमारी विन स्ट्रीक बढ़ जाएगा, नहीं मैच जीतने के मैच ही काफी टफ होने वाला, बिकॉज बी की वाइन का मैच नहीं है क्योंकि ये बोट्सवॉट का मैच भी नहीं है, ये किसका मैच है बताओ, बीबीबी की फुल फॉर्म नहीं पता तुम लोगों को, अगर बीबी की फुल फॉर्म नहीं पता तो फिर क्या ही बोलो यार तुमको, मतलब मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को,
पता होगा सब, नीचे कमेंट में बता देना बिल्कुल क्या है स्क्रिप्ट क्या नहीं है। ओके तो डॉर्टमुंड के साथ ये मैच है बीवीवी जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, और बहुत ही बढ़िया टीम है। और इसके पहले जो मैं आई थिंक जब मैंने PS4 में फीफा 20 लिया था तो वहाँ पे जो करियर मोड खेला था मैं डॉर्टमुंड की तरफ से ही खेल रहा था, और काफ़ी बढ़िया टीम है, इनके पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और हेलेन अब्दुल्लाह इनका बहुत बढ़िया प्लेयर है। पहले यहाँ पे और भी अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन जैसे टाइम बदलता गया लोगों ने भी बहुत सारे प्लेयर्स को खरीद प्रो करी है तो चेंज हुआ है। लेकिन इस टीम को हराना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और हियर वी गो, पहली टीम पे अटैक करते हुए हैजर्ड के पास बॉल है, हैजर्ड यहां से बहुत ही बढ़िया ट्राई हैलैंड के पास थी, लेकिन हैलैंड कोई नहीं स्कोर कर पाए, डियागो बीट करना मुश्किल। यहां से बहुत ही बढ़िया बॉल और फर्नांडिस के पास ये बॉल है और पहला ही चांस बना है, क्या यहां से गोल, ये हुई ना बात, कुछ ऐसी होती है भाई का कप्तान बनाया हमने इसको, हाँ ब्रूनो फर्नांडिस को कप्तान बनाया तो कप्तान की जिम्मेदारी बनती है भाई साहब गोल मारने की। बताओ देखो कितना बढ़िया पास था यहाँ से, और लेकिन नो डाउट फिनिश भी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आयरलैंड की टीम इससे पहले कुछ ढूंढ पाती, उससे पहले ब्रूनो फर्नांडिस की टीम ने ढूंढ लिया गोल, और इसी गोल के साथ ही गोल की बढ़त हो चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास और इस UEFA चैंपियंस लीग के दौर में। लेकिन UEFA चैंपियंस लीग इस मैच में मैनेजर साहब को जितनी खुशी, ज्यादा खुशी तो लगता है दर्शकों को भी नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पता चलेगा कौन सी टीम। ओ भाई बहुत ही बढ़िया पास है हैलैंड के पास, और पता लगा मैं अपनी फालतू कमेंट्री कर रहा हूँ उसके चक्कर में गोल हो रहा है हमारे पास यहाँ। ओके बहुत ही बढ़िया बॉल मिली थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली खराब हो चुकी है, और वापस यहाँ पे ट्राई करेंगे, नो 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 वापस से अटैक पे यहाँ पे। ओ भाई बचा के रखो ये टीम, एक गोल कभी भी दाग सकती है, मतलब कतई दागू टीम है। बहुत ही बढ़िया बॉल है कवानी के पास, कवानी भाई कम ऑन कम ऑन, बट खराब परफॉर्मेंस कवानी की। ओके वापस बॉल है हमारे पास और फ्रेड के पास ये बॉल है, और फ्रेड ने लगा दिया अपना जहाजी शॉट, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया ट्राई तो अच्छी थी भाई, लेकिन वो बेचारे गोल नहीं मिली नहीं बात। बहुत ही बढ़िया, ओ बहुत ही सुंदर पास है फर्नांडिस के पास, और इस बार गोल नंबर 2 ब्रूनो फर्नांडिस ऑन फायर, और कप्तान बनने के साथ ही उन्होंने जो ये कमाल धमाल दिखा रहे हैं भाई साहब, जनता बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, मतलब क्या ही बताएं, बहुत बढ़िया। तो दूसरे गोल से थोड़ी कंफर्मेशन हो चुकी है कि इस मैच में हम लोग हैं। ओके बहुत ही बढ़िया गोल था, लेकिन मुझे लगा शायद ये गोल में थोड़ी गड़बड़ हो सकती थी, अगर हम थोड़ा और टाइम अगर यहाँ ले लेते हैं तो बहुत ही खराब हो सकती थी। लेकिन दूसरा गोल मारते ही जो कोच साहब की खुशी है ना भाई साहब, वो बाहर झलक रही है, मतलब इतनी झलक रही है कि कुछ भी हो सकता है। अब ब्रूनो फर्नांडिस जैसे कप्तान 2 गोल ठोक दिए फर्स्ट हाफ में ही, और होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है तो भाई साहब जीतना तो बनता है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएंगे अगले हाफ में फिर। ओके तो फर्स्ट हाफ यहाँ पे एंड हो चुका है, और जो इसके बाद मुझे लगता है ग्रुप स्टेज के मैच है, तो यहाँ पे होम अवे गेम शायद होगी, अगर होम अवे गेम होती है तो पहला मैच तो हम अपने यहाँ खेलें, लेकिन जो नेक्स्ट मैच होगा ना भाई वो होगा फिर डॉर्टमुंड की, जो उनका होम ग्राउंड होगा वहाँ पे होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन देखते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई मैच में पिछड़े, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, हमने 2-2 गोल की लीड लेके रखी थी लेकिन बाद में लास्ट जो मैच हो तो उसमें 4 खा लिए थे, तो हमको 4 नहीं खाने भाई। ओके यहाँ पे अटैक पे बर्नेंड के पास बोले, बर्नेंड डिफेंस देख रहे हो तुम मेरा, मतलब कतई जहर लेवल का डिफेंस है मेरे पास। ओ भाई साहब मेरा डिफेंस कतई जहर। फ्रेड के पास वापस बॉल है, फ्रेड ने मुझे लगता है अंदर बॉल दे देनी चाहिए, दे दो भाई दे दे भाई, बहुत ही बढ़िया बॉल, और क्या बात है कवानी का बॉल है, कवानी को एक लॉटरी वाला गोल यहाँ पे मिल चुका है। मेसी भैया आज सिर्फ गोल बांट रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लो भाई लो, किसको करना है वो करो भाई। मेसी भाई को आज मुझे लगता है सांत्वना पुरस्कार तो देना ही पड़ेगा, मुझे गोल नहीं लगा रहे, लेकिन मेसी भैया ना आज सबको गेम मेकर बना रहे, किंग प्लेयर सब कुछ बना रहे हैं आज। ये देखो बहुत ही बढ़िया बॉल, और वापस जो कवानी ने शॉट लगा भाई, कवानी ने भी दिमाग लगा लिया कि राइट फुट से नहीं मारूंगा, अभी लेफ्ट से मारूंगा, मोस्टली जितने मैच उसमें राइट से लगाया उसने, और राइट में लगाने की वजह से बेचारे गोल ही नहीं हो पा रहा था, वो बड़ी उल्टी सीधी बात हो रही थी, मैं समझ नहीं रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वापस यहाँ पे बॉल ब्रांड के पास, और क्या बात है बच गए भाई, बच गए, थोड़ी किस्मत भी ठीक थी, और आयरलैंड ने भी ट्राई कर ली थी लेकिन कुछ हुआ नहीं भाई, डिएगो खड़ा है कैसे गोल होगा बताओ, ऐसे सिंपल तरीके से तो गोल नहीं खाने वाले। ओके हैजर्ड के पास बॉल है, और बहुत ही बढ़िया ट्राई, और क्या बात है हेडर, सेंचो के पास और हैलैंड के पास बॉल, क्या बोलूं भाई मैं अब, मतलब सेंचो ने गोल लगा ही दिया है, फाइनली गोल लगा ही दिया है, मतलब ये गलत बात हो गई यार, मतलब हमने 3 लगाए थे तो तुमने 1 लगाना जरूरी था क्या, हैं बताओ हमको। हैजर्ड के बच्चे ने बहुत ही बढ़िया बॉल पास दिया यार, वैसे स्ट्रैटेजी अच्छी थी इनकी, देखो यहाँ से क्या बॉल मिली थी, ओहो ये तो अब डिएगो भी नहीं रोक सकता था, मतलब इस बात को छोड़ ही दो। ओके वापस अटैक पे यहाँ पे मैसी के पास बॉल मिली है, क्या मैसी यहाँ से कुछ कमाल दबा दी, और लेफ्ट फुट से शूट, और ओ
भैया मुरी मैसी भैया ने फाइनली जितने भी पाप थे सारे धो डाले। भाई सी भैया ने बोला साल पूरे टाइम से तुम लोगों को पास करते जा रहा हूँ मैं, पास करते जा रहा हूँ, असिस्ट करते जा रहा हूँ, मैं कब गोल करूंगा। तो फाइनली मैसी भैया ने जो गोल हो गया था तीन, मतलब तीन का जो हम लेके चल रहे थे रेशियो, उसको उतार दिया है। मैसी भैया ने यहाँ से जो गोल स्कोर किया ना, मतलब बहुत ही बढ़िया गोल था ये। देखो बहुत अच्छे बॉल, खुद ही लेफ्ट ली और दोनों डिफेंस को चका दिया, और यहाँ से लेफ्ट फुट से जो लगाया ना कम शॉट, ओ हो हो, ये गोल कीपर दो बार जंप कर रहा था, मेरे को लगता तो भी डूबती थी इससे। ये देखो यार क्या आउटस्टैंडिंग गोल है, आई जस्ट लव मैसी गोल। यू नो मैसी जब भी गोल करता ना देखने को मिलता भाई क्या गोल करता, बाकी तो करते हैं राइट फुट से इधर उधर, भाई मैसी का जो लेफ्ट फुट है ना और लेफ्ट फुट से जो कव शॉट लगता है भाई साहब उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया लियोनार्ड मैसी 90th मिनट में और 9 गोल ठोक दिए यू पर चैंपियंस लीग में। लौंडे ने कहा था जहर लौंडा ये क्या बात है। तो तुमको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कौन सा वाला गोल जो है जबरदस्त था, और मुझे लगता है इसके साथ मैच खत्म। और डोंट वांट, बहुत ज्यादा परेशान हैरान, मुझे लग रहा है हैलेंड तुमको पूरे मैच में दिखा ही नहीं यार, क्या ही बंदा है। 117 मिलियन कुछ प्राइस था उसके, पूरे मैच में दिखा नहीं बेचारा। उसमें लगता मेरे वाले जो बेचारे 70-80 की रेटिंग वाले प्लेयर थे कुत्ते जहर लौंडे है, मतलब उन्होंने आग में जाके रखी हुई थी और ये पीले केकड़े थे उनको हरा दिया आज, मतलब क्या ही बात है बताओ बताओ। लेकिन मैं बोलूंगा ब्रूनो फर्नांडिस के गोल बहुत बढ़िया थे, क्योंकि उसने ही ज्यादा जो था हमको एडवांटेज दिया था, इसकी वजह से हम मैच में थोड़े आगे बढ़ पाए थे। अगर ब्रूनो फर्नांडिस के गोल नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है तो हम थोड़ा पिछल सकते थे। तो फिलहाल ये था हमारा आज का एपिसोड, आने वाले में एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि आगे आने वाला है फाइनल। तो फाइनल के लिए बी रेडी और कमेंट जरूर करना, आपको चाहते हैं फाइनल जल्दी आए, फटाफट लाइक एम पूरा कर दो, कमेंट जल्दी करो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।